भारत बंद का आह्वान कांग्रेस द्वारा किया गया था, जिसका झांसी में मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद कर ली, लेकिन अधिकतर बाजार खुला था। पेट्रोलियम के बढ़ते दामों पर सरकार को घिरते हुए सोमवार को कांग्रेसियों ने झांसी में प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व पूर्व गरौठा विधायक ब्रजेंद्र कुमार व्यास झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो कांग्रेसियों ने उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाए और रेल को जाने दिया। पत्रकारों के सामने फोटो खिंचवाकर नेतागढ़ यहां से चले गए, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता शहर में कांग्रेस के झंडे लेकर घूमते रहे। इस दौरान बाजार में भी बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला। गौर करने वाली बात तो यह थी कि पूर्व मंत्री जहां रहते हैं वह शहर का व्यस्ततम क्षेत्र है, जहां उनके पड़ोसियों ने भी अपनी दुकानें बंद नहीं की। यही हाल शहर और इलाइट चौराहे का भी देखने को मिला, जहां ज्यादातर दुकानें खुली दिखाई दी। हालांकि सोमवार को सीपरी व नगरा क्षेत्र की बंदी का दिन रहता है, जहाँ दुकानें पहले से ही बंद थी। मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ का घोटाला किया, जहाँ विदेशों में 34 रुपए लीटर हम हिंदुस्तान से पेट्रोल और डीजल भेज रहे, वहीं हिंदुस्तान में 90 और 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिल रहा। आज पूरे देश की जनता सड़कों पे है और हम लोग जनता के बीच में ये संदेश लेके जा रहे हैं। और हमारे इस भारत बंद को जो सोनिया जी राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में है, लोग अभूतपूर्व ढंग से सहयोग दे रहे हैं। न्यूज़ बीके के लिए झांसी से अरबाज दानिश के साथ मनीष अली की रिपोर्ट।